हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एक और एंथोलॉजी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और इसका नाम है फील्स लाइक इश्क। और जो इसका नाम है और जो इसका फ्लेवर आया ट्रेलर से, वो काफी यूथफुल आया। तो क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? आपको याद होगा जब रे रिलीज हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो एंथोलॉजीज होती हैं वो कई तरीके की होती हैं। एक तो होती है जिसके अंदर स्टोरीज आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं और वो ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से चलती रहती हैं और एंड में आके आपको एक लेसन देके चली जाती हैं। कुछ स्टोरीज इस तरीके की होती हैं जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर सारे किरदारों को लेके आ जाती है, जैसे हमने लूडो को देखा था। ये जो दोस्तों एंथोलॉजी है इस तरीके की है, इस वैसे तो सारी स्टोरीज अलग हैं, सारे किरदार अलग हैं, एक भी कैरेक्टर मैच नहीं करता है या किसी भी स्टोरी के अंदर, बट कहीं ना कहीं आपको एक एंगल दिखेगा, वो एंगल इन सब में कॉमन है और वो एंगल ही आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो डील किया गया है और हर एक स्टोरी के अंदर, इसके अंदर 6 स्टोरी हैं, उसमें वो कनेक्शन बैठता क्या है एक्चुअली में। तो दोस्तों, फील्स लाइक इश्क जब मैंने देखी और ये चीज़ देखने के बाद, पूरा सीरीज देखने के बाद ही समझ में आती है, उससे पहले समझ में आती ही नहीं है कि ये फेमिनिज्म से भरी हुई दोस्तों सीरीज है, जहाँ पर अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स का कहाँ मुद्दा नहीं है, जहाँ पर ये है कि गर्ल्स कैन मेक देयर ओन चॉइसेस। तो मॉडर्न सेटअप है, ऐसा नहीं है कि वो पुराने जमाने का सेटअप है, जहां पर दे गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम मेन एज वेल। शी कैन डिसाइड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ, शी विल टेस्ट हर पार्टनर इन वट एवर लिटिल वेज दैट शी नोज कि मेरे को इस तरीके के इंसान से प्यार है और इस प्यार को मैं क्या नाम दूं इज अ फ्यूचर टेंस। वो ये जो सीरीज है उसको डील ही नहीं करती है, ये उसके पहले फुल स्टॉप लगा देती है कि अब हम इस अग्रीमेंट में हैं कि शायद हम लव के अंदर हैं। सो फील्स लाइक इश्क का जो मुद्दा है, जो नामकरण है, वो भी यहीं से लेके आया है। जी हाँ, जैसे ट्रेलर के अंदर लगा, ये सीरीज काफ़ी यूथफुल है और काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम के हिसाब से मैं बोलूँगा रेलेवेंट है। तो जो आज के मान लीजिए यूथ है उससे एकदम इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाएगी और वो इसलिए भी कनेक्ट कर पाएगी क्योंकि एक तो स्टोरीज रेलेवेंट हैं, एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक एक कैरेक्टर में उनके नाम जरूर लूँगा यहाँ पर, जैसे मैं स्टोरी आगे डिस्क्राइब करूँगा विदाउट स्पॉयलर्स ऑफ कोर्स। तो ये वाली जो एंगल है या जो एक्टिंग का एंगल निकल के आया है इसके अंदर, मैं बोलूँगा स्टोरीज को अगर वो यहाँ थी उसकी राइटिंग, तो एडिटिंग ने उसको यहाँ लेके आ गया क्योंकि काफ़ी तेज से आधे घंटे के अंदर हो जाती है। और एक्टर्स ने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन से, क्योंकि लव का कहानी जब तक चेहरे पर नहीं आएगा, बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे की तरफ खींचने वाली नहीं होगी, तब तक मज़ा नहीं आएगा, वो आपको लगेगा ही नहीं कि लव के अंदर है। ये इन्होंने यहाँ पर लेके आए हैं इस सीरीज को। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे बेस्ट एंथोलॉजी है ये, इस गलत फैमिली में मत रहना, बट ये गुड फील गुड वाली वेब सीरीज है जो अपने आप फैमिली के साथ भी देखोगे आपको मजा आएगा। तो पहली वाली जो स्टोरी होती है उसके अंदर दोस्तों, उसका नाम है सेव द डेट। इसके अंदर आपको दिखेंगे कि ये जो डायरेक्ट हुआ है रुचिर अरुण ने इसको किया है और राधिका मदान और अमोल, ये सबसे पहली वाली ही आती है और राधिका मदान ने ज़बरदस्त काम किया। अमोल की भी जो पॉइस तरीके की पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। अब इसके अंदर उसकी फ्रेंड है जो कि नर्वस होकर शादी वाले दिन से भाग जाती है। अब अमोल के साथ मिलकर राधिका कैसे उसको ढूंढती है और कैसे ये जो लड़की है वो नर्वस है शादी से पहले, बिकॉज शी डजंट वांट टू लूज हर फ्रीडम, उसको दिखाया गया। एंड जो अच्छी चीज यहाँ दिखाई गई है कि जो उसका पार्टनर है, ही रियलाइजेस दैट द गर्ल कैन बी नर्वस, बिकॉज जो इंडियन सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो इस तरीके के हैं कि गर्ल कैन फील सप्रेस्ड और वो कहते हैं दबा हुआ इन अ फैमिली। तो वो इंश्योरेंस देता है उसको कि बेटा चिंता मत कर, जब तू आ भी जाएगी तो यू विल फाइंड अ लेट्स से अ फ्रेंड नॉट अ हस्बैंड। तो ये तरीके की कहानी काफी मॉडर्न है, वेरिन देर आर टू फ्रेंड्स कमिंग टुगेदर एंड देर ट्राइंग अ नॉट, दे टाइंग अ नॉट रादर, एंड इट्स नॉट अ टाइंग अ नॉट ऑफ अ मैरिज के साथ फेरे ले लिए, साथ कस्में होगी, इट इज मोर लाइक फ्रेंडशिप। सेकेंड वाले में हमने दोस्तों देखा क्वारंटाइन क्रश और ये मुझे काफी क्यूट सी लगी क्योंकि ये होता ना बोर्ड के एग्जाम वाली 12th वाले स्टैंडर्ड की कहानी है। ताहिरा कश्यप ने बनाई है, आयुष्मान खुराना की वो वाइफ है, शी डजेंट नीड इंट्रोडक्शन बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि उनका काम यहाँ पर जो है क्वारंटाइन क्रश में उसको आगे लेके जाएगा उनको। यहाँ पर सिद्धार्थ जी क्यूट से हैं जो कि अपनी पड़ोसन से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों का जो कॉमन लिंकेज है वो म्यूजिक है। अब क्वारंटाइन की वजह से वो मिल नहीं पाते और यहाँ पर वो किस तरीके से म्यूजिक उनको साथ में लेके आता है एंड द गर्ल मेक्स अ चॉइस ऑन द गुड बिहेवियर ऑफ द बॉय विच इज द सरदार और उनका जो सीख आती है एंड में कि वॉट इज टॉकिंग, ये यहाँ पर डिफाइन किया गया। इससे ज्यादा मैं उसको ज्यादा बताऊंगा नहीं, बट ये बहुत ज्यादा क्यूट है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है कि बॉयज विल बी बॉयज, चलेगा नहीं, बिकॉज दैट कैन गो इन टू द टेरिटरी ऑफ स्टॉकिंग एज वेल। बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है, कई बार आप इनोसेंटली किसी लड़की को फॉलो करते हो फॉर लव, बट
विदाउट परमिशन कुछ भी करना, स्टॉकिंग करना, स्पाइंग करना, डिजिटल स्पाइंग आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसकी सीख देती है कहीं ना कहीं, और गर्ल मेक्स अ चॉइस, तो उस पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है कि ये लव होने वाला है, अग्रीमेंट है, और इट्स नॉट द एंड, इट्स द स्टार्ट। अब इसी तरीके की हम स्टोरी दोस्तों देखते हैं स्टार पोस्ट, विच इज़ द थर्ड स्टोरी। आनंद तिवारी ने इसको डायरेक्ट किया है, रोहित श्राफ और सिमराज हैं इसके अंदर, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, रोहित श्राफ के तो काफ़ी सारे फैंस भी, इनको हमने लूडो में भी देखा था। इसके अंदर देर इज अ गाय हु हैज अ ड्रीम टू ट्रैवल एंड सी द नॉर्दर्न लाइट्स, और किस तरीके से वो अपना ही घर जो है एयरबीएनबी नहीं बोलते उसको, बीएनबी यहाँ पर बोल देते हैं, मैं दे देता है ताकि गेस्ट आए, पैसे कमाएं और उसके बाद जाए, और जो उसका गेस्ट आती है सिमराज वो किस तरीके से खुद को भी डिस्कवर करती है, इसको भी डिस्कवर करती है, एंड इट इज लिफ्ट एट अ पॉइंट अगेन दैट येस देर इज येस फॉर ईच अदर, बट देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वैसे ही सारी कहानी है। चौथे में दोस्तों एक कहानी आपको दिखेगी, शी लव्स मी नॉट। अगेन हर एक लेंथोलॉजी में आजकल हमने देखा है कि एक क्वेर या गे स्टोरी होती ही होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दिखाएंगे उतना ज़्यादा ये नॉर्मल लगने लग जाएगा, तो विच इज़ वेरी गुड। ये पॉइंट पता नहीं बताने वाला है कि नहीं है, बट इट इज़ डायरेक्टेड बाय दानिश असलम। अब ये जिन कम्युनिटी से आते हैं वहाँ पर इस तरीके की जो अरेंजमेंट्स हैं गे या फिर जिस भी तरीके के, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा और बैकवर्ड माना जाता है, तो कमिंग फ्रॉम दिस काइंड दिस बैकग्राउंड दिस कम्युनिटी इज़ अ वेरी बिग थम्स अप। बहुत अच्छा काम किया है दानिश असलम ने। ये पता होना चाहिए लोगों को, इट्स नॉट अ बीमारी, इट्स बेसिकली हाउ यू आर बॉर्न विथ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर तराशा और मुस्कान की कहानियाँ। जो लोग एजेंसीज में काम करते हैं, क्रिएटिव एजेंसीज में काम करते हैं, वो इनके काम करने का तरीका, बिहेवियर बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये कैसे अपने वर्ल्ड्स में स्ट्रगल करते करते हंसते खेलते एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये उसकी कहानी काफ़ी मज़ेदार है, क्यूट है। अगेन फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ दीज गर्ल्स फाइंड लव एंड बिकम ईच अदर स्ट्रेंथ इज समथिंग दैट यू विल विटनेस है। अब पाँचवें नंबर पर चलते हैं जिसका नाम है इंटरव्यू। अब ये सचिन कुलदेलकर ने बनाई है, और यहाँ पर आपको जयान मरी खान और नीरज माधव दिखेंगे। नीरज माधव वही हैं जो आपको फैमिली मैन वन में विलन दिखे थे मूसा, और यहाँ पर तो भैया भूसा लग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही क्यूट इनोसेंट दैट बॉय विच इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फर्स्ट जॉब, उस तरीके का है, और फर्स्ट जॉब की कंसल्टेंसी लेते लेते मैडम से कि आप मेरे को मेरी हेल्प कर दीजिए, मैं नौकरी कैसे लूँ, उस इनोसेंस के ही अंदर इनके अंदर कुछ स्पार्क आ जाता है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ जस्ट फ्यू आवर्स, दो तीन घंटे के अंदर की कहानी है इनकी लाइफ की, और फिर कैसे फ़ोन नंबर्स इनमें एक्सचेंज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन सारी कहानियों में दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि क्योंकि हमने इतने ज़्यादा थ्रिलर देख लिए हैं आज के टाइम में कि विश्वास नहीं होता कि लाइफ कैन बी सो स्वीट, सो पीपल कैन स्टिल बी इनोसेंट। ऐसा लगता है कि नहीं यार, किसी ना किसी का कोई ना कोई मुद्दा होगा। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में आपको ज़रूर लगेगा कि शायद गर्ल उसको उल्लू तो नहीं बना रही है, कहीं उसका कोई अपना इंटेंशन तो नहीं है, बट इट विल बी अदरवाइज। ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ क्योंकि स्टोरी बताऊँगा फिर आपके लिए स्पॉइलर हो जाएंगे। लास्ट वाला भी दोस्तों ऐसे ही है जिसका नाम है इश्क मस्ताना, जहां पर जयदीप सरकार ने इसको डायरेक्ट किया है। एक दो जनों की कहानी है जहाँ पर बॉय गेट्स इंडल्ज विद अ गर्ल हुज क्रांतिकारी शॉर्ट्स, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे क्रांतिकारी के मिशन में मैं क्यों शामिल हो गया, मेरा तो कोई रोल भी नहीं है, और कैसे वो अपने आप को डिस्कवर करता है और कैसे उसकी आइडियोलॉजी को समझता है गर्ल की, और उसके बाद उसके लाइफ में और ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी उसी पॉइंट पर छोड़ी गई है कि येस आई हैव इवेल्यूएटेड यू राइट एंड इट इज़ माई चॉइस टू बी विद यू राइट। तो उस पॉइंट पर छोड़ दिया गया, कोई येस नो नहीं आप सुनोगे, कोई बहुत ज़्यादा कोई केसेस नहीं होने वाली हैं, कोई आई लव यू नहीं होने वाले हैं, कोई शादी के प्रपोजल्स नहीं होने वाले हैं, बट उस पॉइंट पर ये दोस्तों छोड़ दिया जाता है, जो कि काफ़ी मेजोर राइटिंग है। और इस पूरी सीरीज का पर्पज़ ही ये था कि आपको एक थाट के साथ इग्नाइट कर दे फेमिनिज्म, इट कैन बी द चॉइस ऑफ द वुमन एज वेल, एंड वुमन हैज़ द राइट टू मेक सम इवेल्यूएशन इन हर माइंड विच कैन बी स्मॉल बिग वट एवर, बट इट देर कैन बी सम इवेल्यूएशन। तो ओवरऑल बेसिस में मुझे अच्छी लगी है सीरीज, फैमिली के साथ देख सकते हो, नीट एंड क्लीन है, तो मेरे को लगता है कि मैं इसको आराम से ए स्कोर दे सकता हूँ, ए प्लस दे सकता था अगर ये बिल्कुल ही कटिंग एज होती। कटिंग एज नहीं है इसके अंदर, स्टिल यू कैन से कि बहुत जगहों पे इम्प्रूवमेंट्स हो सकती थी, बट वाई टू टॉक नेगेटिव एंड लार्जली इट इज़ नाइस। तो आप एक बार ही देखो और आप बताइए कि आपको ओवरऑल बेसिस, मेरा गला भी ख़राब हो रहा है दोस्तों। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द स्कोर्स, ए स्कोर है, आप देखो मज़ेदार है, यू विल लव इट, और आधे आधे घंटे के एपिसोड है तो 3-3.5 घंटे मोटा मोटा लगेगा आपको ये सारे खत्म करने के लिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और रिव्यूज़ और अपडेट्स लेके जल्दी मिलते हैं। नए आए तो यार सब्सक्राइब कर लेना।